हेलो गाइस, कभी कभी हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लिस्टिंग से रिलेटेड, या कोई कस्टमर रिफंड इशू करता है, या कोई और प्रॉब्लम। उस समय हमें लगता है कि हमें किसी से ये प्रॉब्लम शेयर करनी है। आइए मैं आपको सलूशन देती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों से। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का। और बहुत उम्मीदों से आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, प्लीज़ लेसन नंबर 1 से शुरू करें और देखें कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है अमेज़ॉन में। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं फिर से एक बार वो वीडियो अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे फिर से, ताकि आप लोग वो देख सकें। आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि किस तरह से हम लोग अमेज़ॉन वालों से बात करें, FBA वालों से बात करें। कुछ अगर हमारे लिस्टिंग के बारे में पता करना है, कुछ हमें रिफ़ंड के बारे में, कुछ हमें प्रॉब्लम है, कुछ हमारा सेल नहीं हो रहा है, तो हम किस से बात करें, कौन हमें बताएगा? तो जी, आप लोगों के लिए जो FBA लिस्टिंग वाले लोग होते हैं, इनकी हेल्प अवेलेबल होती है। तो ये देखिए जी, ये है आपका अमेज़ॉन का डैशबोर्ड, ठीक है, आपका मार्केट प्लेस। तो यहाँ आप कोने में जाएंगे, ये देखिए आपको हेल्प दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कॉल कैसे किया जाता है अमेज़ॉन FBA में। ये हेल्प में आप क्लिक करेंगे। हेल्प में क्लिक करने के बाद आप देखिए, ये फॉरम्स हैं, गेट हेल्प लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब चीज़ें हैं लिखी हुई हैं। तो आप अपना इशू यहाँ बता सकते हैं। यहाँ सिंपल सी बात है, आप यहाँ क्लिक करें माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड। माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड के बाद आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ अबाउट रिफ़ंड, ठीक है। तो ये अबाउट रिफ़ंड मैंने क्लिक किया कि भाई जो एक कस्टमर ने मुझसे रिफ़ंड मांगा है, उसके बारे में मुझे किसी से बात करनी है कि वो कस्टमर मुझसे क्यों रिफ़ंड चाहता है। तो मैं इसे करूँगी कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद भी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन तीनों में से कुछ सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपको किसी से बात करनी, लाजिम किसी से बात करनी है, तो आप ये देखिए माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद आप ये अकाउंट रिलेटेड है इस पर क्लिक करें, ठीक है। ये देखिए, आप जैसे नीचे जाएंगे तो ये लिख के आएगा कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएट। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा फ़ोन, ठीक है। आप ये फ़ोन पर क्लिक करें। फ़ोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाल दें जी आप अपना नंबर। जो मेरा नंबर है मैं वो डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना नंबर डाल दिया। अब मैं इसे करूँगी कॉल मी नाउ। ये जैसे ही मैं देखिए कॉल मी नाउ पे क्लिक करूँगी, मुझे आ जाएगा अमेज़ॉन से कॉल। ये मेरा मोबाइल नंबर अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो है, मैं इसे आंसर कर लेती हूँ। कॉन्टैक्टिंग अमेज़ॉन सेलर एंड वेंडर सपोर्ट। We are here to help and support you in selling on Amazon. After this call, you may receive an email survey where you can provide feedback on your support experience. तो इस तरीके से आपको कॉल आएगा। Training purposes, this call may be recorded. तो ये आपका कॉल जो है, ये लोग Amazon FBA वालों से कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल मैंने इस कॉल को कट कर दिया, क्योंकि मुझे तो कुछ बात करनी नहीं थी। लेकिन तो ये मैं ऐसे कैंसिल कॉल कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने वीडियो आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया है। तो जब भी मेरी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू होती है, तो हम लोग मेल करते करते थक जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है भाई कोई हमसे जल्दी से बात करे, कोई हमें कुछ समझा दे। कई बार आप मुझसे पूछते हैं कि आप सपना मैम आपका नंबर दे दो। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको अपना नंबर नहीं शेयर कर सकती। मैं अगर अपना नंबर शेयर करूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। 10,000-20,000 से ज़्यादा हर रोज़ मैसेजेस आते हैं, मैं उनका ही जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ूंगी और जवाब दूंगी जैसे जैसे होगा, लेकिन नंबर तो मैं नहीं शेयर कर सकती अनफॉर्चुनेटली। बट ये अमेज़ॉन में कैसे हम कॉल कर सकते हैं और उनसे कैसे बात कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सिखाया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, अगर इससे आपकी मदद हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी जो ये बात है हर किसी तक पहुँच सके। ये बातें आपको पता है नहीं सिखाते हैं लोग, छुपा के रखते हैं। मैंने खुद जब सीखना शुरू किया था तो मैं हर एक से पूछती थी ये कैसे किया जाता है, लेकिन कोई नहीं बताता था। हर कोई कहता था कि आप हमसे कोर्स खरीद लो, या जो ये कह नहीं पाता था कोर्स खरीद लो तो वो बात करना छोड़ देता था। तो बहुत
बुरे टाइम का सामना किया है, वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल बनाया, ये सोच के कि आप लोगों की जितनी हो सके मैं हेल्प करूं। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है तो आप प्लीज़ इस बातों को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और इस वक्त तक जो मुझे आखिरी तक सुन रहे हैं, तो आज चलिए आप मैं आपको अपना कोड वर्ड देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोड वर्ड नहीं दिया, तो मुझे भी पता चले कि कौन मुझे सुन रहा है। तो आज मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और दुआ करें और लिखें मेरे इस वीडियो के नीचे गेट वेल सून, ठीक है? ये है आपका कोड वर्ड। अगर आपने आखिरी तक सुना है तो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।